गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हेमा भुवन ब्लॉग। सो गाइज, आज है मकर संक्रांति का दिन। मैं उठाऊँ थोड़ा सा लेट और शुभ जोशी भी उठे लेट। अभी हम नहीं, जल्दी 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 उठाऊं, जल्दी नहीं, आप भी लेट उठे हो। हाँ उठाऊं। हाँ, थोड़ा आप जल्दी उठे हो, संकेत लेट उठा था। पापा, तो सुबह से हेमा लगी हुई है, किचन में आवाज आ रही थी पर हमने बिल्कुल इग्नोर किया और हमने तब भी हम नहीं उठे, हम मस्त अपना सोए रहे क्योंकि हमने रात को देखी थी मूवी काफी देर तक, मैंने और संकेत ने। शुभ ने नहीं देखी थी, शुभ सो गया था। इस देखिए, हेमा जो है लगी हुई है। आ हा हा, ये इसने बनाए हैं बड़, ये बनाई है पूड़ी और यहाँ चल रही है बड़ की तैयारी। और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, हेमा ने बनाई है शायद आज आलू की सब्जी। सो गाइस, आज है मकर संक्रांति और मम्मी की बरसी के बाद ये हमारा पहला जो है त्यौहार हम सेलिब्रेट करेंगे, मकर संक्रांति। और फिर क्या है कि ऐसा है, दीदी के वहाँ जा चुकी है, पापा लेकर चले गए हैं। सो अभी जो है हेमा तो लगी हुई है सुबह से, बस एक अब मैं जल्दी से नहावा लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद पूजा वूजा पाठ करते हैं। तो गाइज, अब मैं भी नहाने की तैयारी कर लेता हूँ और उसके बाद बच्चों को भी आज नहलाते हैं फटाफट, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत जो हमारी पूजा पाठ है वो करेंगे और उसके बाद देखते हैं। अगर हम आज कहीं घूमने के लिए निकले तो आप देखेंगे इस ब्लॉग में, अगर हमारा कहीं कोई ऐसा प्लान बना तो। सो गाइस, ये रेडी हो चुका है, देखिए बच्चों के लिए लगा दिया है हेमा ने नाश्ता। और ये हैं हमारे गांव के जो होते हैं अच्छे अच्छे वाले बड़, और ये है सब्जी, और ये है स्वादिष्ट खीर। खीर जो है हेमा बहुत शानदार बनाती है, बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो अभी हम इसको बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, देखिए हमने बना दिए हैं, मतलब हमने नहीं, हेमा और पापा की मेहनत से बन चुकी हैं घुगतियाँ। तो हमारे गांव के जो होते हैं घुगुत, और इसमें देखिए डमरू और जो है स्टार भी बनाया पापा ने। और ये देखिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोनों लोग घुगुत खिलाने के लिए। और ये देखिए गर्मा गर्म घुगुत अभी पापा ने मंदिर में भी चढ़ा दिए हैं, और जो है मैंने खा के देखे थे बिल्कुल मस्त टेस्टी हो रहे हैं। इतने सारे घुगुत बना दिए, हालांकि इसकी थकान का इनको कल पता लगेगा। तो इसीलिए मैंने खुश होकर के इनके लिए जो है पिज़्ज़ा पार्टी रखी है बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो आज इनको हम पिज़्ज़ा भी खिला देंगे। सो गाइस, देखिए यहाँ पे आ चुका है एक अनियन पिज़्ज़ा और एक आ चुका है कॉर्न पिज़्ज़ा। और हमारे संकेत जोशी को कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है? ये वाला। इसको क्या कहते हैं? पिज़्ज़ा। कौन सा पिज़्ज़ा कहते हैं? बता दो ना गाइज, अनियन पिज्जा संकेत को बहुत पसंद है। सो गाइज, देखिए हमारे जो है घुगती महाराज, और ये देखिए हमारे गांव का जो ट्रेडिशन होता है कि बच्चों को शोभ कम टू दिस वे। देखिए ये है हमारी घुगती माला, और ये देखिए घुगती माला बनी हुई है, और ये हमारे शुभ जोशी जी है जो उसी में तो घुगतियां खा रहे हैं। ये हमारे गांव के हैं फेवरेट घुगुत जो बनाए हुए हेमा ने, और हेमा ने जो बनाए हैं बेचारी, देखिए अभी तक उस काम से फ्री नहीं हो पाई है। पापा एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पहाड़ में जो था ना ये घुगती माला होती है, शुभ दिखाना, देखिए ऐसी घुगती माला बनाई जाती थी बच्चों के लिए। और ये देखिए क्या सुंदर घुगती माला बनाई हुई है, इसको कहते थे घुगती माला, हमारे पहाड़ की ये सुंदरता है। और देखिए बच्चे इसको, क्या होता था बेसिकली कि बच्चे जो हैं घुगती का त्यौहार जो है ऐसे ही मनाते थे कि जा जा करके घुगती 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 करके मांगते थे। और देखिए ये जो है हमारे शुभु महाराज, संकेत महाराज तो हमारे सो चुके हैं। और ओह, ये पहाड़ी पॉपकॉर्न, ये बेटा देसी पॉपकॉर्न है, कोई पहाड़ी पॉपकॉर्न नहीं है, ये पहाड़ी पॉपकॉर्न है, ये हमारे ऑफिस की तरफ से मिले थे हमें। और शुभ ने तो भैया इतने खाए हैं ऊपर से, आज इतने तो खाना तो खाया नहीं होगा, पिज्जा खाया उसके बाद पॉपकॉर्न खाए और उसके बाद घुगुत खाए। होय होय, अच्छा बस दो और दे दो, बस नहीं 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 शुभ, अच्छा अच्छा शुभ नो, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। और शुभ को वाकई इतने पसंद है ना ये। ओ हेलो, अभी तो आप कह रहे थे कि कड़कड़े हो रहे हैं, अब अच्छे लग रहे हैं आपको ये? सच्ची में बहुत अच्छे हैं। और कल आपकी मैम आपको मिलने वाली है, फिर उनको क्या बोलोगे, मैम के लिए लेके जाओगे घुगती? हाँ। पक्का? चलो मैम के लिए ले जाएगा, लेकिन खाएगा
सो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। और आज घुप्टी का त्यौहार रहा बहुत अच्छा, हमारे एक कज़न भी आए हुए थे, सॉरी उनका हम करना नहीं भूल गए। और मैंने देखो आज पहनी हुई है शुभ संकेत की कैप, क्योंकि मेरी कैप मुझे मिली नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है। कहाँ है गाइस? अरे वो तो दिन। मैंने अपनी वाली कैप धोने के लिए रख दी थी और एक दूसरी मुझे कैप मिली थी, पर मुझे इनकी कैप जो है ज़्यादा पफी लग रही थी तो मैंने वो पहन ली। सो गाइस हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू और इन्जॉय योर संक्रांति। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।